भारत ने शुक्रवार को ओडिशा के चांदीपुर अपतटीय क्षेत्र में एकीकृत परीक्षण रेंज से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कहा कि SFDR आधारित प्रणोदन मिसाइल को सुपरसोनिक गति से काफी अधिक दूरी पर हवाई लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम बनाता है। इसने कहा कि परीक्षण के दौरान जटिल मिसाइल प्रणाली में शामिल सभी महत्वपूर्ण घटकों ने विश्वसनीय प्रदर्शन किया और मिशन के सभी उद्देश्य पूरे कर लिए गए। ITR द्वारा तैनात टेलीमेट्री रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग प्रणाली जैसे कई उपकरणों द्वारा जुटाए गए डेटा से प्रणाली के सटीक प्रदर्शन की पुष्टि हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने SFDR के सफल परीक्षण के लिए DRDO को बधाई दी। उन्होंने इस देश में महत्वपूर्ण मिसाइल के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। SFDR को रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला हैदराबाद ने अन्य DRDO प्रयोगशालाओं में जैसे कि अनुसंधान केंद्र इमारत हैदराबाद और उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला पुणे के सहयोग से विकसित किया गया।